हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? और यह है रात का समय, करीबन रात के 10 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूं झील पर। जैसा कि आप सबको पता है, आज छठ पूजा है और जो एक पूजा होती है मैंने वो हो चुकी है, अब मॉर्निंग वाली पूजा होगी। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जो ये छठ पूजा होती है क्यों मनाते हैं हम स्पेशली। देखिए, ये जो स्पेशली जो त्यौहार है इसको दोस्तों बिहार, नेपाल और पूर्व उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सा है नेपाल का, उसके अंदर भी मनाया जाता है। जो मेन है इस त्यौहार, मतलब ये जो मेन जो त्यौहार है वो लोगों दोस्तों भोजपुरी लोगों का है, मतलब बिहार के साइड में ज़्यादा ये चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का साज सजावट हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग, देखें। चलिए हम अंदर जाते हैं, आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें ना, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। और दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया, जो ये छठ पूजा होता है वो मेन कहाँ होता है? बिहार में। बिहार के लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, इस त्यौहार के अंदर कुछ नहीं देखा जाता है, स्पष्ट रूप से सूरज देवता, पानी जी की मतलब जल देवता और बोल सकते हैं कि प्राकृतिक की पूजा होती है ना दोस्तों? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी थोड़ी कम भीड़ है। जब मॉर्निंग में देखना, मॉर्निंग में दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको, काफ़ी भीड़ रहती है। अभी तो ये रात का समय है, यहाँ पे अभी सारे घाट खाली होंगे, क्योंकि जब पूजा होता है, जब सूरज देवता की पूजा करते हैं, फल मतलब जो फल होता है उसको सूप या दौरा में लेकर रखते हैं, जो भी सारा खाने पीने का सामान होता है, जो देवता को चढ़ाना होता है, ठीक है, वो सारा सामान रख के मतलब पूजा करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ये पूजा होता है वो कहाँ होता है? नेपाल, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मतलब कुछ कुछ एरियाओं में होता है, जैसे कि पूर्व के एरिया में उत्तर प्रदेश में, और नेपाल के अंदर भी थोड़े बहुत जगहों पर होता है, और फिर उसके बाद जो बिहार, झारखंड, यहाँ पे तो मेन है, यहाँ पे तो होता ही होता है। यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी है, फोटो वगैरह अच्छी है इधर। तो हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं जहाँ पर घाट होता है, और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग वहाँ पे बैठते हैं और पूजा करते हैं। और दोस्तों, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ इस एरिया में, यहाँ पर सरकार के द्वारा अच्छी सुविधा दी जाती है, सभी श्रद्धालु जो भी पूजा करने आते हैं यहाँ पर। कुछ आवाज़ आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी गलत गतिविधि ना हो सके। और दोस्तों ये रात का समय हो रहा है, तो अभी जो है सब अपने अपने घर जा चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको घाट दिखाता हूँ किस तरह। देखिए दोस्तों, अभी तो खाली है, यहाँ पे अच्छे से व्यू ले सकता हूँ मैं, पर मॉर्निंग में जो होगा क्या कि पूरा भरा रहेगा, सब लोग आएंगे पूजा वूजा, समझे? और क्या कहते हैं, मतलब जो है सजाया जाता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया जाता है, बिल्कुल ही मतलब समझ लो कि एक तरीके से पूरा मंदिर की तरह सजाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पीछे फूल वूल लगा रखे हैं और किस तरीके से गुब्बारे वुब्बारे सजा रखे हैं अच्छी तरीके से। मतलब ले आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ और वहाँ का दिखाता हूँ, मतलब किस तरीके का उन्होंने मतलब अरेंजमेंट कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आपने जैसा कि देखा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है, मतलब जो कि क्या कहते हैं यहाँ पर, मतलब देख सकते हैं आप, फुल सिक्योरिटी है यहाँ पर, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से है।
आज एक दुख भरी खबर ये भी है दोस्तों कि इंडिया हार गई है, आपको पता ही है। ऑस्ट्रेलिया जीत गई दोस्तों 6 विकेट से, और बड़ी मतलब बिल्कुल मूड ख़राब हो गया दोस्तों आज ये देख के कि इंडिया कैसे हार गया। हारना नहीं चाहिए था इंडिया को यार, तो 40 करोड़ लोग रहते हैं हमारे भारत में, सब लोगों का दिल खुश था बताओ, पर सभी प्लेयर्स ने अपना बेस्ट दिया ये तो आप लोगों ने देखा ही था।